आलसी भालू चतुर किसान। एक बार एक घने जंगल में तीन भालू रहते थे। वे तीनों बड़े ही आलसी थे। वे तीनों अपने भोजन की तलाश में जंगल में निकल जाते और शाम को अपने अपने घर वापस लौट जाते थे। एक दिन तीनों भालू जंगल में भोजन की तलाश में निकले। थोड़ी दूर चलने के बाद एक भालू ने पेड़ के नीचे आराम करने को सोचा। अभी पहला भालू दूसरे भालू से बोलता है, अरे भाइयों, मैं और नहीं चल सकता हूँ, थक गया हूँ, क्यों ना हम सामने उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर ले। दूसरा भालू बोलता है, ठीक कह रहे हो भालू भाई, जो आपने सोचा मैं भी वही सोच रहा था। चलो सामने एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे चलकर आराम करते हैं। फिर वे तीनों उस सेब के पेड़ के नीचे चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद लाल लाल सेब देखकर तीसरे भालू के मुंह में पानी आ जाता है। वह दूसरे भालू से कहता है, अरे भालू भाइयों, ये लाल लाल सेब देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया है, मैं मन भर के इन सेबों को खाना चाहता हूँ। तभी दूसरा भालू तीसरे भालू से बोलता है, कह तो आप भी ठीक रहे हो भालू भाई, मन तो मेरा भी है सेब खाने का। पहला भालू बोला, नहीं नहीं भाइयों, हम सिर्फ इस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुके हैं, ऐसे किसी गरीब किसान के सेब खाना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने पहले भालू की एक भी बात नहीं मानी और दोनों सेब खाने लगे। सेब खाते खाते उन्होंने देखा कि एक किसान बड़ी सी लाठी लेकर पेड़ की तरफ आ रहा है। इतना किसान वहां आया, उन्होंने अपने सेब खा लिए थे। किसान को भालुओं पर शक होता है। उसने सोचा, ऐसे तो ये मुझको सच्चाई नहीं बताने वाले। उसने एक योजना बनाई। वह भालुओं से पूछता है, अरे अरे भालू भाइयों, अभी कुछ जंगली जानवर मेरे सेब खा रहे थे, आप तीनों ने देखे क्या? तभी पहला भालू अपनी चालाकी से जवाब देता है, नहीं नहीं ताऊ जी, आप किस सेब की बात कर रहे हो, और ना ही हमको पता कि सेब कैसे होते हैं। भालू के मुंह से यह बात सुनके किसान सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है, ये तो बहुत ही चालाक है, क्यों ना मैं इनसे एक और बात पूछूं। फिर किसान बोलता है, अरे अरे अच्छा भाइयों, मैंने सुना था कि वे कुछ कह रहे थे। तभी दूसरा भालू बोला, नहीं नहीं काका, हमें ये भी नहीं सुना कि ये पल मत खाओ, किसान आ जाएगा, वो ये बात कर रहे थे। भालू के मुंह से यह बात सुनके किसान को भालुओं पर पूरा यकीन हो जाता है कि इन्होंने ही मेरे सेब खाए हैं और झूठ बोल रहे हैं। किसान सोचता है, क्यों ना मैं इनसे एक बात और पूछूं। अरे अरे अच्छे भाई, ये बताओ, मैंने सुना है उनको भूख भी नहीं लग रही थी, वो फिर भी मेरे सेब खा रहे थे। अब तीसरा भालू बोला, नहीं नहीं दादाजी, उनको भूख लग रही थी तभी उन्होंने आपके सेब खाए हैं। भालुओं के मुंह से यह बात सुनके किसान समझ जाता है कि हो ना हो इन्होंने ही मेरे सेब खाए हैं। उसको भालू पर बहुत ही क्रोध आता है। वह मन ही मन सोचता है, इन्होंने मेरे सेब भी खाए हैं और झूठ बोल रहे हैं। वह भालू को लाठी से मारकर वहां से भगा देता है। एक समय की बात है, एक जंगल में तीन मुंह वाला सांप रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान था और अपने जंगल के सभी जानवरों के साथ अच्छी तरह से संबंध बनाए रखता था। एक दिन एक भालू का बच्चा जंगल में खो गया। उसकी माँ बहुत चिंतित थी। वह अपने बच्चे को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाती। वह थोड़ी दूर ही चली, तभी उसकी मुलाकात एक तीन मुंह वाले सांप से होती है। सांप उस भालू की पत्नी से पूछता है, क्या हुआ भालू बहन, क्यों चिंता में जंगल में घूम रही हो? क्या बताऊं सांप भाई, मेरा बच्चा जंगल में कहीं गुम हो गया है,
वो मुझको सुबह से नहीं मिल रहा है। मुझे डर इस बात का है कहीं जंगल का कोई जंगली जानवर उसको कोई हानि न पहुंचा दे। नहीं नहीं बहन, सुब सुब बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो यहीं कहीं होगा। चलो दोनों मिलकर उसको ढूंढते हैं। ठीक है सांप भाई, जैसा तुम चाहो। फिर वे दोनों मिलकर बालों के बच्चे को ढूंढने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद सांप बालों से कहता है, अरे अरे बालो बहन, तुम इधर जाओ मैं उधर जाता हूँ। फिर वे दोनों जंगल में अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं और उस भालू के बच्चे को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद सांप की मुलाकात एक हाथी से होती है। वह सांप से पूछता है, क्या हुआ सांप भाई, ऐसे जंगल में क्यों उदास फिर रहे हो, आपका कुछ खो गया है क्यों? नहीं नहीं हाथी भाई, भालो बहन का बच्चा सुबह से नहीं मिल रहा है, दोनों उसको ही मिलकर ढूंढ रहे थे। अरे सांप भाई, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ, अगर हम मिलकर ढूंढे तो शायद वो हमको जल्द से जल्द ही मिल जाए। ठीक है हाथी भाई। फिर वे तीनों उस भालू के बच्चे को ढूंढने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद हाथी की मुलाकात एक गोरिल्ला से होती है। वह हाथी से पूछता है, क्या हुआ हाथी भाई, तुम ऐसे किसको ढूंढ रहे हो, तुम्हारी मिस कहीं चली गई है क्या? क्यों बताऊं गोरिल्ला भाई, हम अपनी मिस को नहीं बल्कि बालो बहन के बच्चे को ढूंढ रहे हैं, वो सुबह से नहीं मिल रहा है। ठीक है हाथी भाई, चलो हम सब साथ मिलकर दोनों उसको ढूंढते हैं। फिर वे सभी मिलकर भालू के बच्चे को ढूंढने लगते हैं। पूरा जंगल ढूंढने के बाद सभी जंगली जानवर जंगल के एक तिराहे पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे बालो बहन, हमने सारा जंगल छान लिया है, पता नहीं छोटू कहाँ चला गया है, अब हमारे सामने ये शेर की गुफा वाला जंगल ही बचा है। कभी खेलता खेलता छोटू शेर के इलाके में पहुंच गया हो, पर वहां जाएगा कौन? कह तो आप भी सही रहे हो गोरिल्ला भाई, अगर हमने शेर भाई के इलाके में जाने की कोशिश की तो वह हम पर हमला ना कर दे। तभी सांप बोलता है, अरे कैसी बात कर रहे हो तुम सभी भाइयों, हम इतने जंगली जानवर और वो अकेला शेर, चलो सभी साथ मिलकर देखते हैं, हम सभी को देखकर शेर अकेला हम पर हमला करने की कभी नहीं सोचेगा। फिर वे सभी जंगली जानवर शेर के इलाके में चले जाते हैं। थोड़ी देर में वे सभी शेर की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने वहां जाकर देखा कि छोटू शेर के साथ खेल रहा था। बालो अपने बच्चे को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी हाथी कहता है, अरे छोटू तुम यहाँ हो, हम सबने मिलकर तुमको पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा, तो हमारे साथ वापस जंगल में। कहाँ ले जा रहे हो इसको बरकुरदार, अब ये कहीं नहीं जाएगा, अब ये मेरी अमानत हो चुका है। तभी भालो शेर के पास जाती है और शेर को खींच के दो घूंसे लगाती है